हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ एक्स स्मार्ट ग्रिड यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे आपके फ्री मॉक टेस्ट का एनालिसिस क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में, ठीक है। उसमें क्या होगा, देखिए, जो आपका क्लैट 2024 का एग्जाम आया था, पेपर हुआ था, वैसा ही सिमिलर हमने टेस्ट बनाया है। जिससे क्या होगा, आपको ये तो लगेगा कि हाँ सिमिलर है, लेकिन सेम नहीं होगा, ठीक। तो क्या हुआ, आपको एक आइडिया लग गया कि इस तरह से एग्ज़ाम आया था, कितना टफ था, कितना मुश्किल था, ठीक है, क्या क्वांट को करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, छोड़ना चाहिए, क्या जो 10-15 मार्क्स हैं वो वर्थ हैं, क्या उतने टाइम में वो हो सकता है, यानी इस सब का आपको एक आइडिया लग जाएगा आज, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने थोड़ी भी मेहनत की होती, आप में से ज़्यादातर लोगों ने थोड़ी सी भी मेहनत की होती, जो 12 मार्क्स का पेपर आया था, बहुत ईजिली आप अचीव कर सकते थे, ठीक है। तो आज की जो क्लास होगी, उसी टेस्ट को हम सॉल्व कराएंगे आपको, और आपको ये बताएंगे कितनी आसानी से वो टेस्ट सॉल्व किया जा सकता था। उसमें एक दो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखिए, मैंने आपको बताया था, तीन चैप्टर्स पर भी मैंने आपको क्लासेस कराई थी, वो था परसेंटेज, रेशियो एंड एवरेज, बाकी कैलकुलेशंस कराई थी। इससे बाहर कुछ नहीं आया, आप देखेंगे जो मैंने लास्ट ईयर आपको क्लासेस कराई थी, जो यूट्यूब पे पड़ी हुई थी, जो मैंने कराया था उससे बाहर कुछ नहीं आया। अगर आपने सिर्फ वही 19 क्लासेस हैं शायद, अगर आपने वही 19 क्लास कर ली होती तो आप इजीली 12 मार्क्स अचीव कर सकते थे 10-12 मिनट्स में, ठीक है। बहुत आसान था, वही मैं आपको कराने जा रहा हूँ। इसमें दो तरह से कराएंगे, देखिए, एक तो बेसिक मेथड से कराएंगे, जिस तरह से शुरुआत में सीखते हैं हम लोग, फिर कराएंगे कि हमको एक्चुअल एग्ज़ाम में कितना टाइम देना चाहिए था और किस तरह से इसे सॉल्व करना चाहिए था, ठीक है। शुरू करते हैं। तो ये है आपकी पहली DI, इसे देखिए। एक काम करिए, इसे यहाँ पर पॉज कर दीजिए, इसे खुद सॉल्व करने का कोशिश करिए, पहले इसे सॉल्व करिए, फिर इसके बाद इसके क्वेश्चंस के आंसर देखिए। क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ये 6 क्वेश्चंस हैं। पहले DI को पॉज करके उसे सॉल्व करिए और देन इन आंसर्स को निकाल के देखिए। आपसे होता है, अच्छी बात है, नहीं होता कोई बात नहीं, आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा, और वो भी उस तरीके से सिखाया जाएगा जिस तरह से आपको एग्जाम में करना चाहिए था, ठीक है। अगर हो जाता है तब भी इस वीडियो को ज़रूर देखिए, हो सकता है जो आपका सॉल्यूशन हो वो टाइम टेकन हो, हम यहाँ पर इस तरह से सिखाएंगे, आप आसानी से कम समय देते हुए अच्छी तरह आप उसको कर पाएँ, ठीक है। तो शुरू करते हैं। यहाँ दिया है, स्मार्टफोन्स हैव बिकम एन इंडिस्पेंसेबल पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ, अलाउंग अस टू स्टे कनेक्टेड, एंटरटेन्ड एंड इन्फॉर्म्ड, ठीक है। स्मार्टफोन्स के बारे में जानकारी दी है, हमारे जो लाइफ, हमारी लाइफ का बहुत ज़रूरी हिस्सा बन चुका है, उसे अलग नहीं किया जा सकता, उससे हम कनेक्टेड रहते हैं, एंटरटेन्ड रहते हैं और इन्फॉर्म्ड रहते हैं। देखिए, यहाँ पर क्वांट से रिलेटेड कोई चीज़ें कुछ नहीं है, ठीक है। जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, जब 50-60 DIs आप कंप्लीट कर चुके होंगे, प्रैक्टिस कर चुके होंगे, तो आपको समझ में आएगा मोस्ट ऑफ द पार्ट जो होता है DI का, जो आपके एग्जाम में आता है क्लैट में, वो सॉल्व करने वाला होता ही नहीं है, मतलब एक तरह का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है जिसमें आपका टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। जब आप 50-60 DI कर लेंगे तो आपको समझ में आएगा, अरे सिर्फ इतना पार्ट हमको सॉल्व करना है, इस पार्ट की हमें नीड नहीं है, ठीक है। उस तरह से इस DI में देखिए क्या होता है, या तो कुछ नहीं हुआ। विद टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, स्मार्टफोन्स आर नाउ अवेलेबल विद वेरियस फीचर्स केटरिंग टू डिफरेंट यूजर नीड्स, ठीक है। यहाँ पर भी कुछ नहीं है, सिर्फ ये बताया कि अलग अलग लोगों के हिसाब से चीज़ें बनाई जा रही हैं। ड्यूरिंग अ सर्वे अबाउट द परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्मार्टफोन्स इन 4 डिफरेंट रीजन्स, इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द रेशियो बिटवीन एंड्रॉयड, iOS एंड अदर OS ऑपरेटिंग सिस्टम स्मार्टफोन्स वॉज कलेक्टेड, ठीक है। देखिए, 4 डिफरेंट रीजन्स में क्या क्या बोला यहाँ पे, 4 डिफरेंट रीजन्स में स्मार्टफोन्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की गई है, किस बेसिस पे, ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिस पे। कितने तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉयड, iOS एंड अदर OS, ये बताया गया कि 4 डिफरेंट रीजन्स में 3 तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की गई है, ठीक है। आगे दिया गया है, द टोटल नंबर ऑफ स्मार्टफोन्स फॉर विच डाटा वाज कलेक्टेड वाज 10,000, ठीक है। टोटल डाटा जो इकट्ठा किया है वो कितने स्मार्टफोन्स हैं, 10,000। पहला नंबर हमें यहाँ मिला कि पूरे ऑल 4 रीजन्स में कितने स्मार्टफोन्स हैं, 10,000, जिस जो 3 तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलते हैं, ठीक। ऑफ दिस, रीजन 1 हैड 10% ऑफ टोटल स्मार्टफोन्स, ठीक है। रीजन 1 में कितने स्मार्टफोन्स हैं, 10%, इन द रेशियो 2:5:1 एंड्रॉयड, iOS एंड अदर OS, ठीक। यहाँ पर दे दिया गया है रेशियो किसका, एंड्रॉयड, iOS एंड अदर OS का। अगर एंड्रॉयड 2 यूनिट्स हैं तो iOS हैं 5 यूनिट्स एंड अदर OS हैं 1 यूनिट, ठीक है। इस तरह से हमें रेशियो दे दिया इन तीनों का, एंड टोटल नंबर ऑफ
फोन से हमारे पास 10,000 और रीजन वन में है 10,000 का 10%। ठीक, आगे दिया है रीजन टू हैड 25% ऑफ टोटल स्मार्टफोन्स इन दी रेशियो 2:1 एंड्रॉयड iOS एंड अदरवाइज। ठीक, यहाँ पर भी सेम चीज़ दी है, सिर्फ नंबर डिफरेंट है। यहाँ पे क्या है 25% ऑफ टोटल स्मार्टफोन्स, ठीक 25% ऑफ टोटल स्मार्टफोन्स एंड द रेशियो इज 2:1। ठीक है, सिर्फ नंबर डिफरेंट है, बाकी चीज़ें सेम है। रीजन थ्री हैड 35% ऑफ टोटल स्मार्टफोन्स इन दी रेशियो 3:5:2। ठीक, यहाँ पर दिया है रीजन थ्री में सेम चीज़ दी है, 35% स्मार्टफोन्स हैं और रेशियो दे दिया है। एंड रीजन फोर हैड 30% ऑफ टोटल स्मार्टफोन्स इन दी रेशियो 6:3:1। ठीक है, ऑल फोर रीजन्स में क्या दिया है हमें, परसेंटेज दे दी गई है कि कितने परसेंटेज ऑफ टोटल स्मार्टफोन्स उस रीजन में है और रेशियो दे दिया गया है एंड्रॉयड iOS एंड अदरवाइज का हर एक रीजन में। ठीक है, पहले हम करते हैं एकदम बेसिक मेथड से, जिस तरह से हम सीखने की शुरुआत में जब सीखते हैं तब करते हैं। ठीक है, यहाँ दिया है देखिए 10% ऑफ टोटल स्मार्टफोन्स किस में है, रीजन वन में। तो रीजन वन में टोटल स्मार्टफोन्स कितने हो गए 10% ऑफ 10,000। ठीक है, अब देखिए परसेंटेज को कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ईजी होता है, मैंने आपको काफ़ी बार बताया, आप सबको आता होगा, नहीं भी आता है तो आप सीख जाएंगे आने वाली क्लासेज में। ठीक है, तो क्या होगा 10 परसेंटेज को यहाँ से हटाएंगे, नीचे 100 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 10,000। ये आपको मेंटली करना है, ये तो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, मेंटली करना है। 20 से 20 कैंसिल आउट, तो 10 × 100 ये हो गया आपका 1,000। तो टोटल स्मार्टफोन्स हो जाएंगे रीजन वन में 1,000। ठीक है, बहुत आसानी से निकल आएगा। क्या करना है 10% ऑफ 10,000, परसेंटेज से 20 कैंसिल आउट हो जाएंगी आपकी, 10 × 100 ये हो जाएगा आपका 1,000। यही हो गया टोटल नंबर ऑफ स्मार्टफोन्स इन रीजन वन। ठीक है, समझ में आएगा, इसे डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आ चुका है आपका रीजन वन में टोटल नंबर ऑफ स्मार्टफोन्स। अब आगे चलते हैं, देखिए एंड्रॉयड कितना है 2, iOS है 5, अदर OS है 1। अगर एंड्रॉयड 2x है तो iOS हो जाएगा 5x, अगर रेशियो में है तो तीनों में सेम चीज़ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अदर OS हो जाएगा 1x यानी x। 1 का किसी में मल्टीप्लाई करिए उतना ही रहता है, 1 का 5 में करेंगे तो 5 रहेगा, 1 का 8 में करेंगे 8 रहेगा, 1 का x में करेंगे x रहेगा। ठीक, तो टोटल नंबर ऑफ स्मार्टफोन्स इन दी फॉर्म ऑफ x कितना हो गया 2x प्लस 5x प्लस 1x हो गया 8x। तो x के फॉर्म में टोटल नंबर ऑफ स्मार्टफोन्स हो गए 8x जो हो जाते हैं आपके 1,000। ठीक, तो x की वैल्यू कितनी होगी, 8 आएगा 1,000 के नीचे, तो ये हो गया 1,000/8=125। समझ में आया, तो इस तरह से टोटल नंबर ऑफ स्मार्टफोन्स हो गए 2 + 5 + 1 यानी 8x हो गया, x के फॉर्म में 8x हो गया, x 8x = हो गया 1,000, x = आ गया 125। ठीक है, जब x की वैल्यू 125 आ गई तो 2x की कितनी होगी, 2x की कितनी होगी 2x यानी 2 × 125 ये हो गया 250। तो ये 250 क्या है आपके एंड्रॉयड फोन्स हो गए आपके 250। आगे चलते हैं iOS कितने हो जाएंगे 5x, 5x कितना हो गया 5 × 125 जो हो जाता है आपका 625। बहुत आसान नंबर है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे 5 × 125 5 × 120 बहुत आसानी से आप निकाल लिया करेंगे, प्रैक्टिस चाहिए बस, 625 होता है, बहुत आसानी से आ जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं अदर OS को OS मान लेते हैं, OS हो जाएंगे आपके x जो हो जाता है 125। तो इस तरह से आपको रीजन वन की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं ऑल फोर रीजन्स के साथ में, तो यहाँ हो जाएगा एंड्रॉयड, यहाँ iOS, यहाँ OOS, यहाँ टोटल, यहाँ रीजन वन, रीजन टू, रीजन थ्री, रीजन फोर। ठीक है, इस तरह से टेबल बना लेंगे। तो यहाँ पर टोटल स्मार्टफोन्स हैं 1,000, जिसमें से एंड्रॉयड हैं 250, iOS है 625 एंड OOS है 125। ठीक है, इस तरह से आप निकाल लेंगे। देखिए ये चीज़ें तो थी सीखने वाली, ठीक है, इस तरह से हमें सीखा जाता है ये वो, लेकिन मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल एग्जाम में कम से कम समय लेते हुए 100% एक्यूरेसी के साथ कैसे किया जाना चाहिए। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। ठीक, इसे डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। देखिए एक टेबल बना लेते हैं पहले ऑल फोर रीजन्स की, ठीक है यहाँ सबसे पहले दिया है टोटल स्मार्टफोन्स हैं 10,000, रीजन वन में कितना है 10% ऑफ टोटल स्मार्टफोन्स, परसेंटेज से 20 कैंसिल आउट, तो रीजन वन में कितने स्मार्टफोन्स हो गए 10 × 100 ये हो जाएगा 1,000। निकल आया, इजीली निकल आया।
परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट, 100 × 10 1000 हो गए स्मार्टफोन्स रीजन वन में, ठीक है। अब रेशियो पे आते हैं, यह है 2 units + 5 units + 1 unit, यानी 8 units टोटल स्मार्टफोन से रीजन वन में, जो बराबर है 1000 के। अब इसे लेते हैं यूनिट्स में, अगर एंड्रॉयड 2 units है, iOS हो जाएगा आपका 5 units, अदर OS हो जाएगा 1 unit, ठीक है। इस तरह से लेंगे, तीनों को ऐड करेंगे, 2 + 5 + 1 यानी 8 units बराबर हो जाएगा 1000। तो 1 unit कितना हो जाएगा, 1000/8, ये भी मेंटली करेंगे, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, तो हो जाएगा 125। 1 unit हो गया आपका 125, तो 2 unit कितना हो जाएगा, 125 × 2 250। इस तरह से आपको एग्जाम में करना है, 5 × 125 = 625, 1 × 125 ये हो जाएगा 125। तो इस तरह से रीजन वन का आपके पास डाटा आ गया, ठीक। अब रीजन टू की तरफ चलते हैं, रीजन टू में कितने स्मार्टफोन हैं, 25%, परसेंटेज से 2 0 कैंसिल आउट, तो रीजन टू में टोटल स्मार्टफोन हो जाएंगे 25 × 100, ये हो जाएगा 25 × 100 2500, ठीक है, ईजी है, आराम से हो जाएगा। अब यहाँ पर रेशियो दिया गया है 2 + 2 + 1 यानी 5 units, 5 units बराबर हो गए 2500, ठीक। तो 1 unit कितना हो गया, 2500/5 यानी 500, 1 unit हो गया आपके पास 500। तो अब एंड्रॉयड हो जाएंगे 5 × 2 यानी 10 यानी 1000, 5 × 2 यानी 10, यहाँ पे भी 2 units है, देखिए यहाँ पे 2 units, तो ये भी 1000 हो जाएगा, भरना करके देख लीजिए, 2 × 500 = 1000, 1 × 500 = 500। अब आपके पास रीजन टू की भी वैल्यू आ गई। अब रीजन थ्री और रीजन फोर भी ऐसे ही सॉल्व करते हैं, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। रीजन थ्री हैड 35% ऑफ टोटल स्मार्टफोन्स, कितने हैं 35%, 35% यानी परसेंट से 2 0 कैंसिल आउट, 35 × 100 = 3500 आ गया। यहाँ रेशियो दिया है 3:5:2, 3 units + 5 units + 2 units यानी कितना हो जाएगा 10 units, 10 units जो हो जाता है 3500। तो 1 unit कितना हो गया, 3500/10 यानी 350 हो गया। अब यहाँ पे एंड्रॉयड हो जाएंगे 350 × 3 ये हो जाएगा 1050, इतना ही होता है, 35 × 3 होता है 1050, एंड में 1050, 35 × 5 होता है 175 + 0 × 0 1750, ठीक। 2 × 350 हो गया 700। थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए, ये सब आप जो मैं कर रहा हूँ आसानी से कर पाएंगे, बस थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। आपके पास समय भी है, लगे रहना है, वीक में कम से कम 3 दिन देने हैं, 1-1 घंटे के लिए, या फिर देने हैं डेली 30 मिनट्स कम से कम, तो आपका आसानी से हो जाएगा, जितने भी मार्क्स होंगे आप इजीली ग्रैब कर पाएंगे अपने एग्जाम में, ठीक है। अब रीजन फोर में कितना है, 30% परसेंटेज से 2 0 कैंसिल आउट, 100 × 30 ये हो जाएगा 3000। तो रीजन फोर में कितने स्मार्टफोन्स हो गए, 3000। यहाँ रेशियो दिया है 6:3:1 यानी 6 + 3 + 1 यानी 10 units, 10 units है आपके पास 3000। तो 1 unit कितना हो गया, 3000/10 300, 1 unit हो गया 300, ठीक है। तो 6 unit कितना हो जाएगा, 6 × 3 = 18 और 2 0 है 1800, 3 × 3 = 9 900, 1 × 3 = 3 300, ठीक है। इस तरह से आपको एग्जाम में डाटा निकालना है, बहुत कम लिखते हुए आपको आसानी से आपका डाटा मिल जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। अब सारे के सारे जो भी क्वेश्चंस होंगे इसी डाटा से सॉल्व होंगे, जो मैंने आपको क्वेश्चंस स्टार्टिंग में दिखाए थे, ठीक है। तो ये है आपका पहला क्वेश्चन, देखिए, इफ 40% ऑफ iOS फोन्स इन रीजन 4 हैव मोर देन 128 GB स्टोरेज एंड द रिमेनिंग है 128 GB और लेस, व्हाट इज द नंबर ऑफ iOS फोन्स विद 128 GB और लेस। यहां हमको दिया है रीजन 4 में जितने भी iOS फोन्स हैं, जितने भी iOS फोन्स हैं रीजन 4 में, उनमें से 40% कैसे हैं जिनमें 128 GB से ज्यादा स्टोरेज है। अब हमको क्या निकालना है, जिसमें 128 GB है या उससे कम है, उन फोन्स का नंबर हमको निकालना है, ठीक है। पहले हम निकाल लेंगे रीजन 4 में कितने iOS फोन्स हैं, ये देखेंगे रीजन 4 में कितने iOS फोन्स हैं, 900, कितने हैं 900, तो ये हो जाएंगे 900। हमको निकालना है 900 में से कितने ऐसे फोन्स हैं जिसमें जो स्टोरेज है 128 GB है उससे कम है, तो ज़्यादा कितने में, 40% में, कितने में ज़्यादा है, 40% में, 40% में, 40% ऑफ 900 ये हो जाता है, परसेंटेज से 2 0 कैंसिल आउट, 14 × 9 360, तो 360 ऐसे फोन से जिसमें जो स्टोरेज है 128 GB से ज़्यादा है, ठीक है। हमको निकालना है कितने ऐसे फोन से जिसमें जो स्टोरेज है 128 GB है या उससे कम है, इसे माइनस कर देंगे 900 में से, वही आंसर हो जाएगा, 900 में से 360 निकाल दिए, कितना बचता है 540। तो ये ऐसे फोन हैं जिसमें जो स्टोरेज होगा वो 128 GB होगा या उससे कम होगा, तो आंसर हो जाएगा आपका 540, ठीक है, समझ में आया।
आपको क्या करना है, जितने भी फोन्स में 128 GB से ज़्यादा स्टोरेज है उनको मैनेज कर देना टोटल फोन्स में से, तो आपका आंसर आ जाएगा 540। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, जो आपको ज़्यादातर करना है अपने एग्जाम में। देखिए 40% तो हो गए आपके वो फोन्स जिसमें 128 GB से ज़्यादा है, तो कितने परसेंट ऐसे होंगे जिसमें 128 GB है उससे कम है, 100-40 कितने होंगे, 100-40%। ठीक है, इतना ही होगा, टोटल 100% होता है, उसमें से 40 हटा दीजिए यानी 60%। ये तो मेंटली हो जाएगा, आपको निकालना है 60% ऑफ 900, वही आपका आंसर होगा 60% ऑफ 900। परसेंटेज से दोनों जीरो कैंसिल आउट, 16 × 9 = 540, यही हो गया आपका आंसर। सिर्फ इतना करना है 60 × 9, देखते ही आपको करना है, 900 यहाँ पे है, 16 × 9 कर देना, आपका आंसर निकल आएगा। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नंबर ऑफ एंड्रॉयड फोन्स इन रीजन 2 इज हाउ मच परसेंटेज मोर देन द नंबर ऑफ iOS फोन्स इन रीजन 1। तो एंड्रॉयड फोन्स जो है रीजन 2 में कितना परसेंटेज ज़्यादा है किससे, iOS फोन्स इन रीजन 1। तो एंड्रॉयड फोन इन रीजन 2 कितना है, 1000, कितना है 1000, ये है 1000। एंड iOS फोन्स इन रीजन 1 कितना है, iOS इन रीजन 1 625। अब हमको निकालना है ये 1000 जो है 625 से कितना परसेंट ज़्यादा है। पहले निकालेंगे इनका डिफरेंस, जो ये डिफरेंस है 625 एंड 1000 का, ये 625 से कितना परसेंट ज़्यादा है, वो इस तरह से निकलता है, जो भी निकल के आएगा वही आपका आंसर होगा। जो इनका डिफरेंस होता है, जो इनका डिफरेंस है वो 625 का कितना परसेंट है, यही हमको निकालना है। ठीक है, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं 1000 625 से कितना परसेंट ज़्यादा है, सेम बात है। ये हो जाएगा 375 625 × 100, ये 25 का स्क्वायर है, ये 25 हो गया, ये हो गया 4 टाइम्स 25 से जाएगा 15 × 4, ये हो जाएगा 60। तो आपका आंसर हो गया 60। तो 1625 से 60% ज़्यादा, यही हमको निकालना था। ठीक है, एग्जाम में कैसे करना है, इनका डिफरेंस लेंगे, ये हो जाएगा 375, 625 का ये डिफरेंस कितना परसेंट है ये निकालना है, ये 25, ये 4, 25 से ये 15 टाइम्स, 15 × 4 ये होगा 60। इस तरह से आपको एग्जाम में करना है, तो आंसर होगा 60%। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द रेशियो ऑफ एंड्रॉयड फोन्स इन रीजन 4 टू दी अदर OS फोन इन रीजन 1। एंड्रॉयड इन रीजन 4 एंड अदर OS इन रीजन 1 का रेशियो हमको निकालना है। एंड्रॉयड कितना है रीजन 4 में, ये देखेंगे, ये है 1800, कितना है 1800। अदर OS इन रीजन 1 कितना है, ये है 125, ये है 125। हमको निकालना है 1800 रेशियो 125, ये हमको निकालना है। ठीक है, देखिए जब भी आपको ऐसा नंबर देखे ना, एंड में दो जीरो है, तो आप समझ जाइएगा ये 25 से ज़रूर डिवाइड होगा। अगर 10 होता तो एटलीस्ट 5 से तो होगा ही, और 10 से भी होगा, लेकिन जब यहाँ पर 25 दिख रहा है तो 25 से ये जाएगा, तो ये भी 25 से जाएगा क्योंकि एंड में दो जीरो हैं। अब इस तरह सोचिए 18 × 100, इस तरह सोचिए इसको। ठीक है, तो ये कितने टाइम्स जाएगा, 5 से 25 से 4 टाइम्स। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, इन दो जीरो को आप हटाएंगे, यहाँ पर 4 लगा देंगे, और ये 25 से कितने टाइम्स जाएगा, 5 टाइम्स। तो ये हो जाएगा आपका 72, 18 × 4 = 72 रेशियो 5। आगे जाएगा ये नहीं जाएगा, कोई ऐसा कॉमन फैक्टर नहीं है, तो आंसर हो जाएगा 72 रेशियो 5। किस तरह से किया, 1800 देखा आपने, 125 देखा आपने, आपने देखा ये 25 से जाएगा, कितने टाइम्स जाएगा, दो जीरो टाइम 4 से मल्टीप्लाई कर दिया 18 को, ये हो गया 72। ये कितने टाइम्स जाएगा 25 से, 5 टाइम्स, तो आंसर हो गया 72 रेशियो 5। इस तरह से आप इसे निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंप्यूट दी परसेंटेज ऑफ टोटल अदर OS फोन्स टू टोटल स्मार्टफोन्स इन ऑल द रीजन्स। हमको निकालना है टोटल अदर OS फोन्स जो हैं सभी रीजन से मिलाकर, वो टोटल स्मार्टफोन्स का सभी रीजन्स में कितना परसेंटेज है। तो हमको पता है टोटल स्मार्टफोन्स कितने हैं, 10,000, तो हमको पता है। अब निकालेंगे टोटल अदर OS फोन्स कितने हैं सभी रीजन्स में। ठीक है, ये निकालेंगे, ये कितना है 3 + 7 = 10, 10 + 5 = 15, 1500 + 125 = 1625। ठीक है, इतना हुआ, आसानी से निकालेंगे 1625। ठीक है, इतना हो गया, हमको निकालना है 1625 10,000 का कितना परसेंटेज है, इसी तरह से निकालेंगे। ठीक है, ये निकालना है। ठीक है, 20 से 20 कैंसिल आउट। हम क्या करते थे बचपन में, नीचे जितने भी जीरो होती थी उन्हें हटाते थे, और उतना डिजिट पहले हम पॉइंट लगा देते थे, कितनी जीरो थी, 2, तो यहाँ आएगा यहाँ पर पॉइंट, तो आंसर हो जाएगा आपका 16.25 परसेंट, यही आपका आंसर
हो जाएगा। जैसे ही आपने देखा 1625 टेन थर्ड का कितना परसेंटेज है, आपने परसेंटेज से दो जीरो तो हटा दी। अब दो जीरो जो हैं, दो ये दो जीरो यहाँ से हटाएंगे और यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, तो आंसर हो जाएगा 16.25। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ iOS फोन्स इन रीजन 3 एंड एंड्रॉयड फोन्स इन रीजन 1? iOS फोन रीजन 3 में कितने हैं? ये है 1750। एंड्रॉयड फोन्स रीजन 1 में कितना है? ये है 250। हमको इनका डिफरेंस निकालना है, बहुत आसान है। 1750 माइनस 250 कितना हो जाएगा? 1500। आसान है ना? अब इतना तो आप कर ही लेंगे ना, इतनी तो उम्मीद है आपसे। 1500 ये हो गया आपका आंसर। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह है लास्ट क्वेश्चन आपका इस डीआई का। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ एंड्रॉयड फोन्स इन ऑल द रीजन्स? ठीक है, सभी रीजन्स में मिलाकर जो एंड्रॉयड फोन्स का एवरेज कितना होगा? एवरेज के लिए क्या करते हैं, जितने भी रीजन हैं कितने हैं, फोर हैं। तो क्या करेंगे, सभी एंड्रॉयड फोन्स को सम करेंगे, सबका सम करेंगे और फोर से डिवाइड कर देंगे, वही एवरेज होगा। ठीक है ना, इस तरह से मैंने आपको सिखाया है एवरेज कैसे निकालते हैं। आपकी पूरी पूरी क्लासेज हैं, वहाँ पर जाइए, देखिए, समझिए एवरेज कैसे निकालते हैं। तो क्या करेंगे, जितने भी एंड्रॉयड फोन्स हैं सभी को ऐड करेंगे। ये हैं 250 प्लस 1000, 1250, 1000 ये हो गया 2350, 2300 प्लस 1800 ये हो गया 4100। तो आपका आंसर हो जाएगा 4100 डिवाइड बाई 4 ये हो गया 1025। तो कैसे करना है आपको, जितने भी एंड्रॉयड फोन से ऑल फोर रीजन्स में उनको ऐड करना है, कितना है 4100, और जितने भी रीजन से उनसे डिवाइड कर देना है, तो आपका एवरेज निकलेगा जो हो जाएगा 1025। ठीक है, समझ में आया? ये हो गया आपकी पहले डीआई। अब चलते हैं नेक्स्ट डीआई की तरफ। जो आपके एग्जाम में दूसरी तरह का डीआई था वैसा ही डीआई है, सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, देखिए ये आपका डीआई है, यहाँ पॉज करिए, इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए पहले डीआई की तरह। होता है अच्छी बात है, नहीं होता कोई बात नहीं, यहाँ पर आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, ये डीआई है, इसके 6 क्वेश्चंस में दिखा देता हूँ आपको। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ये 6 क्वेश्चंस हैं। पॉज करके सॉल्व करिए और फिर सॉल्यूशन देखिए। ठीक है, अब डीआई की तरफ चलते हैं। ए सर्वे वाज कंडक्टेड इन अ सर्टेन रीजन टू अंडरस्टैंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टीचर्स वर्किंग अक्रॉस वेरियस एजुकेशन लेवल। ठीक है, यहाँ दिया है, एक सर्वे कराएगा टीचर्स के बारे में। द रीजन हैड अ टोटल पॉपुलेशन ऑफ 5 लाख विद अ टीचर पॉपुलेशन ऑफ 5000। ठीक, रिप्रेजेंटिंग दोज हु आर एक्टिवली टीचिंग इन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। ठीक, यहाँ तक क्या दिया है हमको, एक रीजन है जिसमें 5 लाख पॉपुलेशन है, 5000 टीचर्स हैं। ठीक, और जो टीचर्स हैं वो 3 डिफरेंट लेवल्स पर पढ़ाते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। सिर्फ इतना दिया है, आगे दिया है, इट वॉज फाउंड दैट प्राइमरी एजुकेशन टीचर्स कंस्टिट्यूटेड अ लार्जर पोर्शन इन रूरल एरियाज। ठीक, 60% ऑफ रूरल टीचर वर्कफोर्स। जो रूरल टीचर वर्कफोर्स हैं, जितने भी टीचर रूरल एरियाज में हैं, उसमें से 60% कहाँ काम करते हैं, प्राइमरी एजुकेशन में। ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन टीचर्स हैं वो। एज कम्पेयर टू अर्बन एरियाज 40% ऑफ अर्बन टीचर वर्कफोर्स। और जितने भी अर्बन टीचर्स हैं उसका 40% कहाँ है, प्राइमरी एजुकेशन में। यहाँ तक ये, लेकिन अभी हमको ये पता ही नहीं है अर्बन टीचर्स कितने हैं, रूरल टीचर्स कितने हैं, तो अभी तक हमको इतना दिया है। अब आगे पढ़ते हैं। द टीचर पॉपुलेशन इन रूरल एरियाज वॉज फाउंड टू बी 40% ऑफ टोटल टीचर पॉपुलेशन। ठीक है, देखिए यहाँ दिया है रूरल एरिया में, रूरल एरिया में जो टीचर्स हैं वो कितना है, 40% ऑफ टोटल टीचर्स। टोटल टीचर्स कितना है, 5000। तो यहाँ हमको दिया है जो रूरल एरिया में जितने भी टीचर्स हैं वो कितने हैं, 40% ऑफ 5000। तो यहाँ एक टेबल बना लेंगे, यहाँ रूरल, यहाँ अर्बन। ठीक है, टोटल टीचर्स, तो टोटल कितना हो जाएगा, 40% ऑफ 5000। कितना हो जाएगा, 40% ऑफ 5000। ठीक है, परसेंटेज से दो जीरो कैंसिल आउट, बहुत देर से करते जा रहे हैं। 14 to 50, 2000। तो रूरल एरिया में टोटल टीचर्स कितना हो गया, 2000। अब देखिए रूरल एरिया में कितने टीचर्स हैं, 2000। टोटल टीचर्स कितने हैं, 5000। तो अर्बन में कितना होगा, 5000 माइनस 2000, यानी टोटल में से रूरल निकाल दिया तो कहाँ रहेंगे बाकी, अर्बन में। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 3000। समझ आया, रूरल में अगर 2000 है और टोटल है 5000, तो 5000 माइनस 2000 यानी अर्बन वाले निकल आए। ठीक, अब देखिए अब इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें 3 डिफरेंट लेवल्स पर। ठीक है, यहाँ हो जाएगा प्राइमरी, यहाँ हो जाएगा सेकेंडरी, यहाँ हो जाएगा टर्शरी। ठीक है,
इस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देखिए यहाँ पर दिया था, इससे पहली वाली लाइन में दिया था 60% ऑफ रूरल टीचर कहाँ थे, प्राइमरी में, ये दिया था। यानी प्राइमरी कितने टीचर्स हैं, 2000, इसका 60%, इसका 60%, ठीक है, क्या थे, प्राइमरी में, तो इसे निकाल लेंगे, 20 से 20 कैंसिल आउट, 20 × 60 1200, तो प्राइमरी टीचर्स रूरल एरिया में कितने हो गया, 1200। इसी तरह से अर्बन का दिया था, अर्बन का दिया था 40% ऑफ अर्बन टीचर्स वो कहाँ थे, प्राइमरी एजुकेशन में, 3000 का 40% ये हो गया अर्बन टीचर्स प्राइमरी सेक्टर में, यानी प्राइमरी लेवल पर, तो 0 से 20 कैंसिल आउट, तो हो गया 13 × 40 1200। तो अर्बन एरिया में भी प्राइमरी टीचर्स कितने हो गए, 1200, ठीक है, निकल आया। अब आपके पास आ गए टोटल टीचर्स, प्राइमरी टीचर्स दोनों एरियाज में। अब आगे चलते हैं, आगे क्या दिया, ठीक है, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ, आगे काम आएगा। सेकेंडरी एजुकेशन टीचर्स इन अर्बन एरियाज मेड अप 35% ऑफ अर्बन टीचर वर्कफोर्स, ठीक है। देखिए यहाँ क्या है, अर्बन टीचर जो वर्कफोर्स है, यानी इसका 35% कहाँ काम करते हैं, सेकेंडरी एजुकेशन में, ठीक है। तो सेकेंडरी एजुकेशन में अर्बन एरिया में कितना है, 35% ऑफ कितना, 3000, ये निकालेंगे, परसेंटेज से 20 कैंसिल आउट, 35 × 30 1050। तो अर्बन एरिया में सेकेंडरी एजुकेशन में कितने टीचर्स हैं, 1050, ठीक। आगे दिया है, वेयर एज इन रूरल एरियाज दे कंस्टिट्यूट 30% ऑफ रूरल टीचर वर्कफोर्स, तो रूरल में कितना है, 30% ऑफ टोटल टीचर्स इन रूरल एरिया, तो कितना हो गया, 30% ऑफ 2000, इसी तरह से करेंगे, परसेंटेज से 20 कैंसिल आउट, 13 × 20 ये हो गया आपका 600, कितना हो गया, 600, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया, रूरल में कितने सेकेंडरी एजुकेशन में है, अर्बन में कितने सेकेंडरी एजुकेशन में है, प्राइमरी आ गया, सेकेंडरी आ गया, टोटल आ गया। अगर टोटल में से इन दोनों के सम को माइनस कर देंगे तो टर्सरी आ जाएगा, आराम से आ जाएगा, वही यहाँ करना है, वही यहाँ करना, कैसे हो जाएगा, 12 + 6 कितना हो गया, 1800, 2000 - 1800 हो गया आपका 200, ठीक। यहाँ कितना हुआ, 1200 + 1050 ये हो गया 2250, 3000 में से 2250 गया तो कितना हो गया, 750। अब आपके पास आ गया, रूरल में कितने टीचर्स हैं हर एक सेक्टर में, अर्बन में कितने टीचर्स हैं हर एक सेक्टर में, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसी पर बेस्ड आपके 6 क्वेश्चन से अब उन्हें सॉल्व करेंगे, ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन पर। वाई व्हाट परसेंटेज द नंबर ऑफ प्राइमरी टीचर्स इन रूरल एरियाज इज मोर देन द नंबर ऑफ टर्सरी टीचर्स इन अर्बन एरियाज, तो हमको निकालना है जो प्राइमरी टीचर्स हैं रूरल एरियाज में कितने हैं, वो है 1200, हमको निकालना है ये 1200 जो है वो कितना ज़्यादा किससे, टर्सरी टीचर्स इन अर्बन एरिया से, वो कितना है, 750, हमको निकालना है ये 1200 ये 750 से कितना ज़्यादा है, ये निकालना है। डिफरेंस लेंगे पहले, 1200 - 750 किसका किससे निकालना है, 750 से, इसी से तो ज़्यादा है ना, तो इसको नीचे लेंगे, × 100 इसकी वैल्यू हमको निकालनी है, इन दोनों का डिफरेंस 750 से डिवाइड करना है × 100, तो कितना डिफरेंस है, 450 / 750 × 100, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल आउट, ये 15 से जाएगा 3 टाइम्स, ये जाएगा 5 टाइम्स, 5 से ये 20, तो ये 20 × 3 60, आंसर हो गया 60%, ठीक है, ये हमको निकालना है। जैसे हमने यहाँ 1200 देखा, 750 देखा, इनका डिफरेंस लिया, ये हो गया 450, इससे कंपेयर करना है 750 से × 100, इस तरह से हमको निकालना है, ये हो जाएगा 3 टाइम्स, ये 5 टाइम्स, 100 जाएगा 5 से 20 टाइम्स, ये हो जाएगा 3 × 20 60, आंसर हो गया 60, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, व्हाट इज द रेशियो ऑफ अर्बन टीचर वर्कफोर्स टू द रूरल टीचर वर्कफोर्स, अर्बन से रूरल का निकालना है टोटल टीचर्स का, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर हमको पता था, जब हमने सब डीआई पढ़ा था तो हमने देखा था रूरल में जो टीचर्स हैं वो कितना है, 40% ऑफ टोटल टीचर्स, याद है ना, 40% ऑफ टोटल टीचर्स, तो अर्बन में कितना हो जाएगा, 100 - 40 यानी 60%, यही तो होगा। अगर टोटल टीचर्स का रूरल में कितना है 40, तो अर्बन में कितना होगा 60%, हमको यही रेशियो निकालना है, 60:40, 0 से 0 कैंसिल आउट, यानी 20 से भी कर सकते थे, ये 3 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, ये हो जाएगा आपके पास 3:2, यही होगा आपका आंसर, ठीक है। जैसे ही आपने देखा रूरल में कितना है 40% टीचर्स, तो अर्बन में कितना हो जाएगा, बचे हुए टीचर्स वो कितने होंगे, 60%, 60:40 कितना हो जाएगा, 3:2, यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इफ़ द नंबर ऑफ सेकेंडरी टीचर्स इन अर्बन एरियाज इज इंक्रीज बाई 10% व्हाइल द रूरल टीचर पॉपुलेशन रिमेंस द सेम, व्हाट इज द न्यू नंबर ऑफ सेकेंडरी टीचर्स इन अर्बन एरियाज। देख गौर से पढ़िए इस क्वेश्चन को, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ दिया है द नंबर ऑफ सेकेंडरी टीचर्स इन अर्बन एरियाज,
जो सेकेंडरी टीचर्स हैं अर्बन एरिया में 10% से बढ़ जाते हैं, ठीक है, 10% उनका नंबर बढ़ गया, वेल दी रूरल टीचर पॉपुलेशन रिमेंस दी सेम। देखिए जो आपके एग्जाम में क्या आता है आजकल, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आती है जिससे आपका टाइम वेस्ट होता है, वही आपको समझना है कि कहाँ आपको टाइम बर्बाद नहीं करना, ठीक है, ये बहुत ध्यान देना आपको। देखिए यहाँ दिया है सेकेंडरी टीचर्स इन अर्बन एरियाज 10% से बढ़ जाते हैं, ठीक, और पूछा क्या है द नंबर ऑफ सेकेंडरी टीचर्स इन अर्बन एरियाज, न्यू नंबर ऑफ, ठीक है, न्यू नंबर ऑफ सेकेंडरी टीचर्स इन अर्बन एरियाज, सेकेंडरी दिया है उसको 10% से बढ़ा दिया और नया नंबर कितना होगा सेकेंडरी टीचर्स का, गौर से देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन किसी काम की नहीं है। मान लीजिए आपके पास 100 रुपये हैं और आपसे बोला जाए उसमें 10% बढ़ा दें तो कितने हो जाएंगे, तो बाकी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो किसी काम की नहीं है ना, तो आपको सिर्फ 100 में 10% बढ़ाना है, ये तो करना है। इसी तरह से जो सेकेंडरी टीचर्स हैं अर्बन एरियाज में उसको 10% से बढ़ा देना, तो कितना है सेकेंडरी टीचर्स इन अर्बन एरियाज, कितना है, ये है 1050, इसको आपको क्या करना है 10% से बढ़ा देना है। पहले देखेंगे इसका 10% क्या होता है, यही होगा 10%, 20 से 20 कैंसिल आउट, ये हो गया 105, तो जो आपका नंबर था ना 1050, ये इसमें आपको 105 ऐड करना है, सिर्फ इतना करना है, तो ये हो जाएगा आपके पास 1050 प्लस 105, ये हो जाएगा 1155, ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। जैसे ही आपसे बोला जाए 1050 को 10% से बढ़ाना है, तो आप क्या करेंगे 1050 × 10/100, तो ये 10% आ गया, ये हो जाएगा 105 और इसको ऐड कर देना 1050 में। एक तो ये तरीका होता है, दूसरा क्या होता है 1050 × 110/100, ये भी कर लेते हैं, बात तो वही है ना। देखिए 100% तो हो गया 1050 और जो एक्स्ट्रा 10% जो ऐड किया वो यहीं ऐड कर दिया, कहीं भी ऐड कर लीजिए, यहाँ से भी वही आंसर आएगा, ये क्रॉस कर दीजिए, ये हो गया 55, आगे हो गया 11, तो ये हो गया आपका आंसर। किसी भी तरह से आप कर सकते हैं, ये नहीं समझ आया तो क्लासेज में आके देखिए, आपको आसानी समझ आएगा, ये तो समझ में आ ही चुका होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ टर्सरी एजुकेशन टीचर्स इन द रीजन, टर्सरी एजुकेशन टीचर्स निकालने हैं पूरे रीजन में, वो कितने हैं 200 + 750, कितना हो जाएगा 950, 200 + 750, ये हो गया 950, यही हो गया आपका आंसर, बहुत आसान था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सेकेंडरी टीचर्स इन रूरल एरियाज इन कंपैरिजन टू टोटल टीचर पॉपुलेशन, ठीक है, टोटल टीचर पॉपुलेशन कितना है 5000, हमको निकालना है सेकेंडरी टीचर्स इन रूरल एरियाज 5000 का कितना परसेंटेज है, ठीक है, ये निकालना है। सेकेंडरी टीचर्स कितने हैं रूरल में, ये है 600, हमको निकालना है 600, 5000 कितना परसेंट, 600 5000 का कितना परसेंट है, ये हमको निकालना है, 20 से 20 कैंसिल आउट, ठीक, 0 से 0 और 65 से कितना टाइम्स जाएगा 12 टाइम्स, तो आंसर आ गया आपका 12%, ठीक, ये आपका आंसर आ गया। अब क्या करना है 600 5000 कितना परसेंटेज है, ये आपको निकालना है, ठीक है, 20 कैंसिल आउट की परसेंटेज के 100 से, ठीक है, अब आपको 600/50 करना है जो सीधे से 12 होता है, ठीक है, बहुत आसान होता है, आसानी से आ जाएगा आंसर आपका 12%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ टर्सरी एजुकेशन टीचर्स इन बोथ द एरियाज, ठीक है, ये निकालना है आपको, बोथ द एरियाज में टर्सरी एजुकेशन टीचर्स का डिफरेंस निकालना है आपको, कितना है 200 और 750 का आपको डिफरेंस निकालना है, 200 और 750 का कितना हो जाएगा 550, 750 − 200 कितना हो जाएगा 550, यही आपको निकालना है आंसर, ठीक है, ठीक है। देखिए इसी तरह का आपका पेपर आया था, बहुत आसान था, इस बार इजी था, लास्ट ईयर, लास्ट टू ईयर्स मतलब 2023-2022 हैवी था, लेकिन इस बार बहुत इजी था, ठीक है, ये आपको आसानी से 10 मिनट्स में कंप्लीट करना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी मेहनत करना चाहते हैं, बहुत आसानी से होगा और ये बहुत ज़रूरी है। देखिए क्वांट पढ़ना क्यों ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्यों, कारण मैं बताता हूँ। मान लीजिए आप एक अच्छी स्टूडेंट हैं, ठीक है, आपने 100 क्वेश्चन सॉल्व किए, दूसरा स्टूडेंट जो है वो एवरेज है, उसने 90 सॉल्व किए, लेकिन उसको क्वांट आता है, लेकिन क्या आता है उसे क्वांट, और आपको क्वांट नहीं आता, आपने क्वांट छोड़ दिया, आपको कितने 100, वो 12 मार्क्स ज़्यादा ले आया, ठीक है, इस बार ऐसे तो हुआ था, 12 मार्क्स ज़्यादा ले आया, तो वो 102 पर पहुँच गया, जो एवरेज स्टूडेंट था, आपने क्वांट नहीं पढ़ा, उसने क्वांट पढ़ लिया, वो एवरेज था, ठीक है, उसने सोचा कि मैं मेहनत कर लेता हूँ, वो 102 पर पहुँच गया, आपसे ज़्यादा लाया ना, तो किसका नंबर पे लाया, किसको अच्छा कॉलेज मिलेगा उसको मिलेगा, तो क्वांट बहुत ज़रूरी है, आपको क्वांट को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना, ठीक है, आप डेली 30-40 मिनट्स दीजिए, उतना सफिशियंट है और बहुत अच्छे मार्क्स ला सकेंगे आप, हो सकता है 15 मार्क्स आए, हो सकता है 10 मार्क्स आए, जो जिस तरह से आपका एग्ज़ाम आए,
और आज से डेली पढ़ना शुरू करते हैं, अब आप इजीली अच्छा ग्रैब कर पाएंगे 10 टू 15 मार्क्स, सिर्फ 30 टू 40 मिनट्स देना है। उतना भी मत कीजिए, कम से कम वीक में 3 टू 4 डेज दीजिए, एक या डेढ़ घंटे के लिए दीजिए और आप अच्छे मार्क्स ला सकेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मेहनत करते रहिए, अच्छे मार्क्स लाइए, अच्छा कॉलेज लीजिए और कुछ अच्छा कीजिए। ठीक है, गुड नाइट, टेक केयर।